ललित मोदी की मदद विवाद में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी पर साधा हमला, कहा क्या सुषमा ने मोदी की सहमति से ललित की मदद की। क्या ऐसे में कोई साधारण व्यक्ति, कोई ठीक सोच समझ वाला व्यक्ति ये मान सकता है कि कानून के ऐसे भगोड़े की मदद में देश के प्रधानमंत्री जी की सहमति उसमें नहीं थी। सुरजेवाला ने पीएम मोदी पर विदेश मंत्रालय खुद चलाने का लगाया आरोप। देश के माननीय प्रधानमंत्री जो खुद विदेश मंत्रालय को चलाने के लिए मशहूर हैं और विदेश मंत्री उनके एक छोटे सहयोगी के तौर पर कार्य करती हैं। रणदीप सुरजेवाला ने सीधे शब्दों में कहा ऐसा लगता है पीएम मोदी के साथ ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के भी ललित मोदी से संबंध। कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान, आज तक से कहा यूपीए सरकार के वक्त ललित मोदी ने उन पर भी डाला था मदद के लिए दबाव लेकिन नहीं झुके। Yes, we received many, many feelers to help, but our position was very clear that this is not something that we had done. खुर्शीद ने किया सवाल, क्या ललित मोदी को बचाना चाहते हैं मोदी और मोदी सरकार, अगर है ऐसा तो उन पर लगे सभी आरोप वापस ले ले। बोले फिलहाल सरकार की कथनी करने में बहुत फर्क। मोदी सरकार की सहयोगी शिवसेना ने सुषमा का किया बचाव, संजय राउत बोले सुषमा का करता हूं सम्मान, विवाद को बताया साजिश। कंट्रोवर्सी बनाने की ये साजिश जो चल रही है, ये देश के विदेश मंत्री को अस्थिर करो, जो विदेश मंत्री आज पूरे विश्व में हिंदुस्तान का डंका बजा रही है। ललित मोदी की मदद पर कांग्रेस ने तेज की सुषमा स्वराज के खिलाफ जंग, दिल्ली में सुषमा के घर के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुतला फूंका। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप, सुषमा ने देश से गद्दारी की, जमकर के हंगामा, बाद में सुरक्षा कर्मियों ने हटाया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, बैरिकेड तोड़कर सुषमा के घर के करीब पहुंचे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। सुषमा से जुड़े विवाद पर दिग्विजय सिंह ने किया सवाल, आखिर पीएम मौन क्यों है, सुषमा से मांगे स्पष्टीकरण। प्रधानमंत्री जी हमें बताएं कि ललित मोदी जी की शिकायत की सिफारिश विदेश मंत्री जी ने जब की तो उनसे पूछ के की बिना बताए की। विवाद के बाद पहली बार सार्वजनिक तौर पर दिखी सुषमा, विदेश मंत्रालय की कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक में विवाद पर मीडिया से नहीं की बात। कांग्रेस ने सुषमा के खिलाफ तेज की राजनीति, दिल्ली में सुषमा के घर के बाहर यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। सुषमा पर बीजेपी में छिड़ा घमासान, बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कीर्ति आजाद के ट्वीट का किया समर्थन। जहां तक कीर्ति आजाद का सवाल है, ही इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, बहुत नजदीकी दोस्त है मेरे, और कीर्ति आजाद जनरली जो बातें करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं, समझदारी के साथ करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी सुषमा का किया बचाव, का राजनीतिक जीवन में केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने कहा सुषमा ने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं भी किसी मरीज का इलाज करते वक्त जाति या आरोपी देखकर नहीं करता। छत्तीसगढ़ के दो दिन के दौरे पर राहुल गांधी कोरबा में आए, किसानों आदिवासियों से मिले। भूमि अधिग्रहण का उठाया मुद्दा, कहा दिल्ली तक नहीं पहुंचती आदिवासियों की आवाज। अब आमतौर से क्या होता है, आपकी बात दिल्ली नहीं पहुंचती, दिल्ली में बड़े बड़े लोग बात करते हैं, प्रेस वाले भी उनकी बात आसानी से उठा लेते हैं, आपकी बात इतनी आसानी से नहीं उठती। राहुल ने विकास का मुद्दा उठाया, दिल्ली बैठी सरकार सिर्फ दो तीन उद्योगपतियों की सरकार है, आपकी नहीं, आदिवासियों से किया सीधा संवाद। जब हम विकास की बात करते हैं तो आप क्या सोचती हो, विकास क्या होता है? विकास ये होता है कि गांव की उन्नति, देश की उन्नति।
वन रैंक वन पेंशन पर बड़ी मोदी सरकार की मुश्किल, पूर्व सैनिकों का हल्ला बोल, जंतर मंतर पर शुरू की भूख हड़ताल। राजनाथ से मिले अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, गृह मंत्रालय जाकर की मुलाकात। ट्रांसफर पोस्टिंग पर गृह मंत्री से मुख्यमंत्री ने की चर्चा, सिसोदिया ने कहा हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। जितेंद्र तोमर की दिल्ली की साकेत अदालत में पेशी, तोमर की दो दिन की रिमांड का आज आखिरी दिन। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म लेकिन साफ नहीं हो पा रहा कूड़ा, पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में कूड़े का ढेर। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती की पत्नी ने पति पर लगाए गंभीर आरोप, महिला आयोग के अध्यक्ष के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लिपिका ने कहा भारती मुझे समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं, SMS भी भेजा, फिर कहा सोमनाथ मुझ पर काटने के लिए कुत्ता छोड़ देते थे। सोमनाथ भारती की मां भी महिला आयोग पहुंची, कहा बहू को घर वापस लेने आई हूं। भारती ने बरका सिंह पर किया ट्विटर वार, कहा घर जोड़ने की नहीं बल्कि तोड़ने की कोशिश कर रही हैं बरका सिंह। दिल्ली में कन्वर्जन चार्ज के खिलाफ धरने पर बैठे व्यापारी, MCD नए सिरे से लगाना चाहती है कन्वर्जन चार्ज, कांग्रेस ने व्यापारियों के विरोध का समर्थन किया। दिल्ली में बड़ी बिजली की दरों पर केजरीवाल सरकार को घेरेगी बीजेपी, मंगलवार को सचिवालय का करेगी घेरा। बिहार CM नीतीश कुमार ने रामदेव पर किया वार, कहा योग गुरु नहीं मैनेजमेंट गुरु है, मैगी विवाद होती है अपनी मैगी लॉन्च कर दी। सुपरस्टार रजनीकांत की पत्नी के खिलाफ बेंगलुरु के थाने में केस दर्ज, आरोपी ने फिल्म निर्माण के दौरान पैसे से धोखाधड़ी का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में निजी चैनल के पत्रकार हैदर पर हमला, दबंगों ने फायरिंग कर डराया फिर बाइक से घसीटा, मरा समझकर छोड़ गए। पत्रकार के अनुसार खबर दिखाए जाने से नाराज थे दबंग, आनंद नाम के शख्स ने धोखे से फोन करके बुलाया फिर हमला किया। घेरने के बाद इन लोगों ने मारना पीटना शुरू कर दिया, पहले रिवॉल्वर निकला ये मारा, यहाँ पे कंपटी थे। यूपी के शाहजहांपुर में भी मृतक पत्रकार जगेंद्र के परिवार का धरना जारी, यूपी सरकार के मंत्री यादव का गैर जिम्मेदाराना बयान, हत्या पर बोले ये विधि का विधान, इसे कौन रोक सकता है। घटनाएं कुछ ऐसी होती हैं जो निश्चित होती हैं, प्रकृति का नियम है, विधि का विधान है। घटनाएं कुछ ऐसी होती हैं जो निश्चित होती हैं, प्रकृति का नियम है, विधि का विधान है। यूपी सरकार के एक और मंत्री कैलाश चौरसिया के खिलाफ लगा प्रशासनिक अधिकारी को धमकी देने का आरोप, मिर्जापुर वाणिज्य विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने लगाया आरोप। सिंह ने कहा विभागीय अधिकारी को पत्र लिखा था, मंत्री कैलाश चौरसिया की धमकी का किया जिक्र, पत्र में ट्रांसपोर्ट पर छापेमारी से खफा थे मंत्री। पत्रकारों पर हमले के बीच शिवपाल यादव का बयान, कहा यूपी की कानून व्यवस्था सबसे अच्छी, कहीं भी आ जा सकती हैं महिलाएं। तो अब बिना जांच के कोई भी मंत्री नहीं हटाया जाएगा। दिल्ली पहुंची यूपी में पत्रकारों पर हमले की आंच, जंतर मंतर पर पत्रकारों ने किया प्रदर्शन। AIPMT की परीक्षा सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की, पेपर लीक होने के बाद अदालत में की गई थी याचिका, 4 हफ्ते में दोबारा परीक्षा कराने का भी आदेश का। सोपोर में आम नागरिक की हत्या, अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर मारी गोली, मारे गए शख्स का नाम है एजाज अहमद, पिछले 1 हफ्ते में 4 नागरिकों की हो चुकी हत्या, इलाके में तनाव।
असम में बाढ़ की तबाही, बरपेटा, लखीमपुर, धेमाजी, सोनितपुर में ब्रह्मपुत्र नदी के सैलाब का कहर। बाढ़ से 2,800 हेक्टेयर फसल बर्बाद, करीब 2,00,000 लोग हुए प्रभावित। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने किया योग, कहा 30 साल से हर दिन 20 मिनट करता हूं योग, सूर्य नमस्कार को बताया योग का हिस्सा। मेरे उसके जैसे हिस्सा होता है, मैं उसे भी करता हूं। मेरे उसके जैसे हिस्सा होता है। आजम खान ने योग के बहाने फिर साधा योगी आदित्यनाथ पर निशाना, कहा योग से नहीं, योगी से बू आती है। हमें योग से बू नहीं आती, हमें एक योगी से बू आती है। योगी आदित्यनाथ ने आजम खान पर किया पलटवार, का आजम खान करें सूर्य नमस्कार, इससे दुरुस्त रहेगा दिमाग। नमस्कार करेंगे और मंत्रों के साथ करेंगे, सूर्य नमस्कार अगर करेंगे और मंत्रों के साथ करेंगे तो उनकी बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी, स्वास्थ्य भी स्वस्थ, उनका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो भी ठीक हो जाएगा। यूपी के फर्रुखाबाद में देखी मजहबी एकता की मिसाल, शरीर को निरोग रखने के लिए साथ साथ करते हैं योग हिंदू और मुसलमान। अलीगढ़ के मोहनलाल गौतम महिला सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिलाएं लंबे वक्त से योग का सहारा ले रही हैं, हिंदू मुस्लिम समेत हर धर्म की महिलाएं डिलीवरी में योग करती हैं, उन्हें होती है सुविधा। महाराष्ट्र सदन घोटाले में छापेमारी, महाराष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 9 आरोपियों के घरों पर 2 दिन तक मारे छापे, बड़ी संपत्ति का खुलासा। एसीपी ने औरंगाबाद संभाग के सूचना आयुक्त देश पांडे के घर छापे मारे, सरकारी कर्मचारियों के घरों पर भी ली गई तलाशी। डीवी देश पांडे के 5 फ्लैट्स का खुलासा, ठाणे, औरंगाबाद, पुणे में सभी फ्लैट, नासिक, औरंगाबाद में 2-2 दुकानें। देश पांडे के खातों में 50,00,000 रुपये नकद, 2 किलो सोना, 27 किलो चांदी, 2.5 करोड़ के बॉन्ड, अन्य कर्मचारियों की संपत्ति का भी पता चला। एसीबी ने तलाशी में मिली संपत्तियों और कीमती सामान को जब्त नहीं किया, नोट बनाकर साक्ष्य के तौर पर अदालत में पेश करेंगे। एफआईआर दर्ज होने के बाद छगन भुजबल ने आज तक से कहा, कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए मुझसे बदला ले रहे हैं। भुजबल ने कहा उनके बहाने उनके परिवार पर साधना निशाना गलत, राज्य सरकार, कुछ राजनीतिक लोग मेरे पीछे। भुजबल ने कहा सारे फैसले कैबिनेट की मंजूरी और मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर से लिए गए, सभी के खिलाफ हो जांच। गोडाला के एमबीपीटी में 20 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया, 60,000 लीटर पेट्रोल जलकर सुहागा। शनिवार को 6 बजे लगी थी आग, पाइपलाइन में लीकेज की मरम्मत का कल चल रहा था काम, वजह का पता नहीं। मुंबई करों को पानी के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, बीएमसी से सप्लाई की जाने वाली पानी की दर में मंगलवार से 8% का इजाफा। साल 2012 में ही पानी पर टैक्स में बढ़ोतरी करने का निर्णय ले लिया गया था, सूत्रों के हवाले से पता चला। पानी की दर में 8% का इजाफा सालाना होगा, करीब 5 साल के लिए हुआ फैसला। सलमान खान हिट एंड रन मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में टली सुनवाई, अब 1 जुलाई को होगी। ऑडी कार एक्सीडेंट केस में वकील जानवी को आज नहीं मिली राहत, 17 जून को अब सुनवाई। दिल्ली के शिव विहार में शर्मनाक वारदात, नेत्रहीन व्यक्ति की पत्नी से रेप, आरोपी फरार। ईस्ट पटेल नगर में डबल मर्डर, 92 साल के बुजुर्ग और 65 साल की बहू के घर में मिली लाश। यूपी के फर्रुखाबाद में एसिड अटैक में 6 लोग गंभीर रूप से घायल, आरोपी भी झुलसा। गांव वाले के मजाक उड़ाने पर परेशान था आदिल, अचानक एसिड की बोतलें लेकर सड़क पर बैठे लोगों पर डाल दिया। बहराइच में आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या के मामले में 6 गिरफ्तार, मुख्य आरोपी ग्राम प्रधान भी गिरफ्तार। अब
अमेरिका के फ्लोरिडा में 23 साल के भारतीय युवक की हत्या। डेढ़ महीने पहले हैदराबाद से पढ़ने गया था अटलांटिस यूनिवर्सिटी। जॉर्जिया में बाढ़ का कहर, 12 की मौत, 1,80,00,000 के नुकसान का अनुमान। शहर में तबाही। जुरासिक पार्क सीरीज की फिल्म जुरासिक वर्ल्ड की कमाई का बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड, 20,46,00,000 कमाई। दक्षिण पश्चिम चीन के गिजाऊ प्रांत में 20 साल पुरानी 9 मंजिला इमारत ढही, 4 की मौत। उसको आतंकवाद विरोधी साबित करने में जुटे पाकिस्तान की सेना का बयान, पिछले एक साल में उत्तरी वजीरिस्तान में 2,763 आतंकवादियों को किया खत्म।